नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और इस रिपोर्ट में मैं अजय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें, पिछले लगभग 3 दशकों से वीरान पड़ी बड़खल झील के दिन अब बदलने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़खल विधानसभा की विधायिका सीमा त्रिखा के साथ एक प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि बड़खल झील कभी फरीदाबाद की शान होती थी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को NCR के पर्यटक यहाँ घूमने आते थे और पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन झील में पानी सूख जाने के चलते यह वीरान हो गई है और फरीदाबाद की पहचान खो गई है। उन्होंने बताया कि बड़खल विधानसभा में 2014 की विकास रैली में विधायिका सीमा त्रिखा ने झील को जीवित करने का मुद्दा उठाया था, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मान लिया था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब 78 करोड़ रुपए की लागत से झील को जीवित करने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने दावा किया कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर इस झील को नया और सुंदर रूप देते हुए जनता को समर्पित किया जाएगा। देखिए, बड़खल झील फरीदाबाद की पहचान होती थी। NCR का सारा टूरिस्ट सैटरडे और संडे को यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले 20-25 साल से ये वीरान हो गई। 30 साल से जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेहमान आते थे तो उनको बड़खल झील जरूर लाते थे खाना खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन वो यादें रह गई, बड़खल झील लुप्त हो गई, टूरिज्म बिल्कुल एक तरह से यहाँ नगण्य हो गया, फरीदाबाद की पहचान खो गई। अब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैली में हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक सीमा जी की मांग पर इस बड़खल झील को रिवाइव करने के लिए मांग रखी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन कोरोना के कारण पानी कहाँ से लाया जाएगा, उसकी कई बार फिजिबल रिपोर्ट उसकी ठीक नहीं आई, लेकिन अब सारी चीज़ें हो गई, अब लगभग काम आप देख रहे हैं शुरू हो गया है। नीचे उसका पानी नीचे ना जाए झील का, उसके लिए आप देख रहे हैं बेड बनाने का काम शुरू हो गया है, रिटेनिंग वाल का काम शुरू हो गया है, उसकी 3D इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। आपने हैदराबाद और बंगलौर का मैरीना देखा होगा जो स्मार्ट सिटी में बनाए, बिल्कुल उसके तर्ज पर यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। 78 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस सब पर आने वाली है, उसमें पार्किंग है, उसमें 800 मीटर का जो बांध है वो है, उसमें झील का बेड है, उसमें STP है 22.5 करोड़ का, ये तब मिलकर और अगले सितंबर तक जब मोदी जी का जन्मदिन 2023 में पूरा देश मनाएगा, उस समय हम इस झील को लोगों को रिवाइव करके लोगों के सपोर्ट कर देंगे। मंत्री जी, जैसा देखा जाए कि यहाँ पर ये कहा जाता था कि इसके अंदर दरारें पड़ी हैं, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता और यहाँ पर अवैध खनन भी कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से रहा था, इसमें पानी कैसे आएगा और क्या वो मिथ्या था जो दरारें थी, देखा जाए क्या चीज़। देखिए, बिल्कुल ठीक बात थी, वो झूठी नहीं थी, दरारें आ गई थी, लेकिन दरारें भी भरी जाती हैं, ये सिद्ध कर दिया मनोहर जी और मोदी जी की सरकार। मंत्री, पानी क्यों? IIT के एक्सपर्ट आए, बहुत जगह एक्सपर्ट मंगाए, इस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब विश्लेषण हुआ और आज वो दरारें भरी जा रही है, बेड बनाया जा रहा है उसके लिए मंत्री जी, कि पानी जमीन के अंदर ना जाए, पानी यहाँ पर जमा रहे। मंत्री जी, झील क्यों सूखी थी? झील सूखी क्यों थी, कारण क्या था? कहीं ना कहीं हमारी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए झुक बताया जा रहा है कि पास में बड़ा मुद्दा था। नीयत का मतलब क्या है? देखिए 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 यहाँ पर अब मैं किसके बारे में क्या कहूँ? नहीं, अवैध खनन जो मैं किसी पे आज आरोप लगाने के लिए नहीं, देखिए हमारा काम पॉजिटिव काम करना है, हम नेगेटिव बहुत कम बोलते हैं किसी के बारे में। मंत्री, पॉजिटिव काम करो, नेगेटिव लोगों को याद ही नहीं आने वाले, तो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, फरीदाबाद के लिए सकारात्मक काम कर रहे हैं हम और हमारे विधायक और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी। हमारा ध्यान उस पर है, हमारा ध्यान किसी की बुराई पर नहीं है, किसी की आलोचना पर नहीं है, जिन्होंने नहीं किया उनको लोगों ने घर बैठा दिया, तो अब हम उनकी चर्चा क्यों करें? मंत्री जी, आमतौर पर ये होता है कि योजनाएं शुरू हो जाती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती, उसमें टाइम लगता है, तो ये योजना माना के समय पे पूरी। देखिए, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, STP का काम पूरा हो गया है, बांध का काम आप देख रहे हैं, उसके लिए नीचे बेस बनाया जा रहा है, RCC की कंक्रीट की दीवार शुरू हो गई है,
जो झील का बेड है उसका काम बहुत बड़ी संख्या में हो गया है। तो सारे काम चल रहे हैं और जो समय सीमा आपको दी है कि अगर 2023 में मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन, हम सब मिलकर यहीं मनाएंगे।